हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है। यहाँ पर नीचे आपको अपनी प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपली उस पर टैप करना है। और अपनी प्रोफाइल पर जाने के बाद यहाँ आपको ऊपर थ्री लाइंस का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली थ्री लाइंस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आपको सिंपली सबसे नीचे सेटिंग पर क्लिक करना है। और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक हेल्प का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको हेल्प पर टैप करना है। हेल्प पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर हेल्प सेंटर दिखेगा, तो आपको सिंपली हेल्प सेंटर पर जाना है। और हेल्प सेंटर पर जाने के बाद आपके सामने एक पेज खुल कर आएगा, तो यहाँ पर एक पेज खुल कर आ गया है। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे, तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर ही ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि यूजिंग इंस्टाग्राम, मैनेजिंग योर अकाउंट, लॉगिंग एंड ट्रबल शूटिंग, प्राइवेसी एंड सेफ्टी। तो सिंपली आपको मैनेजिंग योर अकाउंट पर टैप करना है। और मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ढेर सारे अकाउंट खुलकर आएंगे, जिसमें से आपको एक अकाउंट दिखेगा डिलीट योर अकाउंट, तो आपको सिंपली डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करना है। और डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है, देखिए, हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो सिंपली आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, आप सिंपली इसको पढ़ भी सकते हैं, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को। और अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको सिंपली यहां पर डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करना है। तो डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक पेज खुलकर आएगा, जो कि इंस्टाग्राम की वेबसाइट का है। और सिंपली आपको यहां पर जिस आईडी को आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं उसको यहां पर एंटर कर दीजिए। तो जैसे मैं अपनी आईडी एंटर कर देता हूं, और फिर उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहां पर लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है डिलीट योर अकाउंट। तो यहाँ पर आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि भाई आर यू डिलीटिंग योर अकाउंट, तो सिंपली आपको एक रीजन इसमें से चूज कर लेना है। आप कोई सभी रीजन चूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ प्राइवेसी कंसर्न, आई हैव अ प्राइवेसी कंसर्न। उसके बाद आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड एक बार यहाँ पर फिर से एंटर करना है, तो मैं एंटर कर देता हूँ। और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहां पर देखिए आपके सामने लिख कर आ गया है परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट। तो आप इस पर टाइप करके अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। मैं यहां पर टाइप कर देता हूं, तो यहां पर पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, तो आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। और यहां से नॉट नो, तो यहाँ पर देखिए योर अकाउंट हैव बीन रिमूव्ड, वी आर सॉरी टू सी यू गो। तो यहाँ से अब आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो चुका है। तो चलते हैं अपने इंस्टाग्राम पर। तो अब यहाँ पर जैसे ही मैं अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट लॉग्ड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा अकाउंट लॉग आउट हो गया है। अब मैं इस पर अगर लॉग इन भी करना चाहूँ तो इस पर लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि यह परमानेंटली डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। सॉरी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट दिस टाइप ऑफ वीडियोज फर्स्ट। सो वेल गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।